प्यारी बहनों, आज मैं आपके सामने एक सिलवट्टा उठाकर खड़ी हूँ। ये देखिए, आपके सामने ये सिलवट्टा पड़ा है जिसका एक बड़ा साइज है और जिसका एक छोटा साइज है। देखिए, आज मैं आपको इस सिलवट्टे पर चटनी बनाना सिखाऊंगी कि चटनी सिलवट्टे पर कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हम ये पुदीना लेंगे। देखिए, मैंने जरा सा पुदीना लिया। अब मैं इसको इस तरह मैश करूंगी। देखिए, मैंने अभी आपके सामने पुदीना पीसा था इस पर, और अब मैं आपको इस पर धनिया पीस कर दिखाऊंगी। देखिए बहनों, इस पर हमें थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा जिससे हमारी बाजुओं की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। देखिए बहनों, अभी मैंने आपके सामने पुदीना और धनिया दोनों को पीस लिया है। अब मैं आपके सामने ये दो चीजें पीसने जा रही हूँ, जो कि टमाटर और प्याज दोनों है। अभी मैंने आपके सामने प्याज और टमाटर दोनों को पीस लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा मैश करूंगी ताकि ये चारों चीजें अच्छी तरह से मैश की जा सके। देखिए, अब मैं इसको पूरी तरह पीस चुकी हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक मिलाऊंगी स्वाद अनुसार। देखिए प्यारी बहनों, हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको चेक कर देखेंगे कि इसका स्वाद किस तरह है। देखिए, आप भी इस तरह बहुत आसानी से सिलबट्टे पर अपनी चटनी तैयार कर सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें कोई मिक्सी नहीं यूज की, हाथों की एक्सरसाइज भी घर बैठे हम अपनी